Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A very warm welcome all of you for this 1 hour workshop related to quality management system, ISO 9001 and food safety management system. I would like to thank you all of you who are allocating your time and your busy from your busy schedule at Sunday, and hopefully coming 1 hour will be a very learningful experience with us. Thank you so much for joining us, and thank you so much for connecting with the Omni Academy workshop of quality management system. My name is Afaq Ahmed, and by qualification I am MBA. I'm a lead auditor of quality management system, and as far as my technical qualification is concerned, I have conducted more than 250 training of different standard, including ISO 9001, health and safety management system, social compliance management system, and other standards. So before starting the presentation formally, I would like to request you to please introduce yourself one by one. So अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो kindly introduce yourself, just your name and your objective to attend this meeting, or your roles and responsibility and your knowledge regarding quality management system. Sir, my name is Hassan. Yes. I'm from Lahore. My qualification is MPhil Total Quality Management from Superior University. Mashallah. Excellent, Zohaib. So, कहाँ job कर रहे हैं आजकल? क्या मसरूफियत है? Sir, मैं compliance field में होता हूँ. Compliance audits करता हूँ राहिल वली साहब के साथ. Ambition Apparel में होता हूँ आजकल. उनको consultancy दे रहे हैं. Excellent, excellent. Mashallah. जबरदस्त. Thank you. मुनीब ने भी अपना इंट्रोडक्शन बताया, और मिडास सेफ्टी में होते हैं, इंजीनियरिंग में, और उनकी जो है मसरूफियत जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट है, एनआईटी से करंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं. वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग द प्रोसीडिंग्स फॉर्मली. बात करते हैं क्वालिटी के हवाले से. क्वालिटी जो है वो आप लोग क्या समझते हैं? तो ये क्वालिटी किसे कहते हैं? जब हम बात की जाती है क्वालिटी के हवाले से, क्या चीज माइंड में आती है? जी जोएब. जोएब, आपको आवाज आ रही है? ओके. सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, विच बेसिकली क्वालिटी जो है, अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की, इन्हेंसमेंट की बात की जाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल को काउंट किया जाता है, सिस्टमेटिक वे में अगर कोई काम किया जाए तो क्वालिटी इंक्रीज होती है. और ये तमाम जो किसी भी बिजनेस का जो कोर है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विसेज बेस्ड हो, क्वालिटी प्रोवाइड करना उसका कोर वैल्यू है. मतलब हर कंपनी कभी भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती. लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि किस तरीके से आप क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए पूरी दुनिया में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, गाइडलाइंस हैं,
इन्हीं गाइडलाइंस की जो सुपीरियर गाइडलाइन है सबसे पहले वो आईएसओ की गाइडलाइन है। सो आईएसओ के हवाले से बात करते हैं सबसे पहले। आईएसओ एक इंटरनेशनल इदारा है, इट्स बेसिकली एनजीओ जो कि 1947 में वजूद में आया, जिस साल पाकिस्तान वजूद में आया उसी साल आईएसओ भी वजूद में आया। और आईएसओ की तकरीबन 22,000 से ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए। जब अगर हम बात करें आईएसओ के एनवायरनमेंट में तो आईएसओ 14,001 है, हेल्थ एंड सेफ्टी में तो आईएसओ जो है आईएसओ 45,000 है। और आईएसओ का जो काम है वो स्टैंडर्ड मेक, इट्स बेसिकली इट इज अ स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी जो कि हेल्प करती है तमाम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेसेस को मजबूत करने में। मैं बात कर रहा था आईएसओ के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के हवाले से, तो सबसे पहला स्टैंडर्ड आईएसओ का वजूद में आया, दैट इज आईएसओ 9000। पूरी दुनिया में आईएसओ 162 कंट्रीज में मौजूद है, 785 टेक्निकल कमेटीज हैं जो कि हेल्प करती हैं आईएसओ को स्टैंडर्ड को बनाने में और उसको मजीद इम्प्रूव करवाने में। क्यों आईएसओ की नीड, पर्पस और स्ट्रक्चर और बेनिफिट की बात करते हैं। पूरी दुनिया में जब हम 1947 के एरा में जाएं तो एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ था दुनिया के साथ, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उस पर काफी लॉस हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज ने काफी जानी और माली नुकसान उठाया था। उसके बाद पूरी दुनिया ने इस बात को फील किया कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी का मकसद उससे पहले क्वालिटी की डेफिनेशन या क्वालिटी की एक्सप्लेनेशन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट थी, लेकिन आईएसओ के स्टैंडर्ड आने के बाद इस बात का फैसला किया गया, यह बात देखी गई, यह बात सोची गई कि आईएसओ के आने के बाद यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर आप क्वालिटी पर बात करें इंग्लैंड में तो सेम बात की जा सके, क्वालिटी पर बात करें अफ्रीका में सेम बात की जा सके, और तमाम मुल्कों की एटलीस्ट आईएसओ एटलीस्ट क्वालिटी के हवाले से मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग सिमिलर हो। इस मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग की सिमिलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए जरूरत इस बात की थी कि कोई गाइडलाइन दी जाए पूरी दुनिया को, ताकि वो समझ सकें कि बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि उस पर अमल करने के बाद आप इन्हेंस कर सकते हैं अपनी क्वालिटी। पर्पस की बात की जाए, पर्पस अगर हम देखें, पर्पस ये होता है बेसिकली पाकिस्तान उन कंट्रीज में शामिल है जहाँ पे अभी भी आईएसओ का जो स्टैंडर्ड है, आईएसओ का अभी भी जो स्टैंडर्ड है वो वॉलंटियर स्टैंडर्ड है, यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इस स्टैंडर्ड को अक्वायर कर सकती है, कंप्लाई कर सकती है, लेकिन इस स्टैंडर्ड के हवाले से कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है आईएसओ के स्टैंडर्ड के हवाले। आईएसओ के जितने स्टैंडर्ड हैं सब वॉलंटियर स्टैंडर्ड हैं। जनरली पाकिस्तान में आईएसओ के स्टैंडर्ड को वो कंप्लाई वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती हैं जो जिनकी या तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या तो वो खुद से सेल्फ इनिशिएटिव लेती हैं कि हमारी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है। अभी भी ज़्यादातर जो कंपनीज की परसेंटेज है वो वही है जिसमें जो है वो जिनकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपोर्ट कर रही हैं अपनी प्रोडक्ट को या जो टेंडर का हिस्सा बनती हैं वो ज़्यादातर आईएसओ को रिक्वायर कर रही है। आईएसओ के बेनिफिट्स जहाँ बहुत सारे हैं वहाँ पर दो बेनिफिट ये हैं कि इससे आपकी बिजनेस की कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। कोई भी बिजनेस हो आपका, चाहे वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो या सर्विस ओरिएंटेड हो, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल को मेंटेन करना और इन्हेंस करना ये कोर वैल्यू होती है। अगर आपका इवन देर इज नो कस्टमर देर इज नो बिजनेस, सिंपल ये कहावत की बोली जाती है। और कस्टमर को फोकस रखना, कस्टमर के को फीडबैक को वैल्यू देना, ये सब आईएसओ की अहम जुज हैं, यानी आईएसओ के अहम प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम आगे भी अब डिस्कस करते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि कंपनी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की तरफ जाती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, तो इंप्रूवमेंट हर एस्पेक्ट में, डॉक्यूमेंटेशन वाइज भी, प्रोसेस वाइज भी कंपनी इम्प्रूव होती है डे बाई डे। दुनिया में जितने भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो कोई भी स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं किसी प्रिंसिपल पे बनते हैं। अगर आज हम बैठ के कोई भी लॉ बनाएं या कोई भी पूरी दुनिया में कोई आइडियोलॉजी लेकर आएं क्वालिटी के हवाले से, तो वो स्टडी उस वक्त तक पास नहीं की जा सकती जब तक कि उसके पीछे दो चीज़ें ना, एक मैथडोलॉजी, सेकेंड उसकी प्रिंसिपल्स।
तो आपने बहुत हर स्टैंडर्ड क्वालिटी के जिससे दूसरे स्टैंडर्ड भी हैं, लाइक सिक्स सिग्मा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा. सिक्स सिग्मा भी एरर प्रूफिंग पे काम कर रहा होता है, ये उसकी मेथडोलॉजी है, और डेमैक ये उसकी प्रिंसिपल है. तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के भी प्रिंसिपल हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. देयर आर 7 प्रिंसिपल्स बेसिकली, और हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर वन है कस्टमर फोकस. कस्टमर फोकस एक ऐसी टर्म है जो कि वैसे बहुत वेल नोन टर्म है. इसका मतलब सिंपल यह है, यानी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप किसी कंपनी को बगैर ऑडिट करे ये एवेल्युएट करना चाहते हैं कि वो कंपनी ISO पर किस जगह पर स्टैंडिंग है, उनकी 0 पर है, 25% है, 50% है, तो आप इन तमाम इन सात प्रिंसिपल को इवेलुएट करें उस कंपनी में, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि वो कंपनी की स्टैंडिंग ISO के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ है. नंबर वन कस्टमर फोकस, यानी हर कंपनी जो कि फीडबैक लेती है, कस्टमर कंप्लेंट्स को वेलकम करती है और उस पर काम करती है, उसे कस्टमर फोकस कंपनीज कहा जाता है. नॉर्मली हर कंपनी जो है अपने कस्टमर को ये मोटिवेट कर रही होती है कि वो फीडबैक दें उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हवाले से. फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, इम्प्रूवमेंट के लिए भी हो सकता है. कंप्लेंट्स हमेशा नेगेटिव होती हैं. इन नेगेटिव से मुराद ये कि जब भी क्लाइंट की या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल कॉम्प्रोमाइज होती है, तो जो उनका कस्टमर है वो हमेशा उसकी कंप्लेन करता है. तो कंप्लेंस या फीडबैक लेने के बाद कंपनी अगर उसके ऊपर काम करे और अपने सिस्टम को इम्प्रूव करे और कोशिश करे कि कंप्लेन की रीअकरेंस ना हो, तो उस सिलसिले में इस पूरे एस्पेक्ट को कस्टमर फोकस कहा जाता है. सेकंड जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीडरशिप. लीडरशिप किसी भी कंपनी में बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है. क्योंकि लीडरशिप में वो लोग होते हैं, लीडरशिप की जो डेफिनेशन है वो भी ISO के हवाले से बहुत सिंपल और बहुत जामे है. और उसमें ये कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर हु हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज. हम सबको ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी हम JDs का नाम देते हैं, कभी हम कुछ नाम दे रहे होते हैं, लेकिन ये वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिसकी बेसिस पे हमें जॉब पे रखा जा रहा होता है, हमें जॉब दी जा रही होती है और हम उस पर काम कर रहे होते हैं. लेकिन जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जिन लोगों के पास मौजूद है उन्हें लीडरशिप का नाम दिया जाता है. लीडरशिप जो है वो लोग होते हैं जो कि आराम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे होते हैं. नंबर 3 है एंगेजमेंट ऑफ पीपल. एंगेजमेंट ऑफ पीपल में जैसे कि लफ्ज से ही जाहिर है, लोगों के दरमियान लोगों को इंगेज किया जा रहा होगा. बिकॉज ISO 9001 या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव है, ये सेल्फ इनिशिएटिव नहीं है. ये ऐसा इनिशिएटिव नहीं है कि जो एक से दो लोगों ने लिया और कंपनी को ऑडिट करवा लिया. पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इस बात का फैसला किया जाता है कि वो ISO के हवाले से जाएंगे, ISO के स्टैंडर्ड्स को. नंबर 4 है प्रोसेस अप्रोच. प्रोसेस अप्रोच इस पूरे स्टैंडर्ड की जो है वो कोर भी है, इसकी मेथडोलॉजी भी है, जो कि ISO 9001 प्लान डू चेक और एक्ट का नाम दिया जाता है. इस पे बात करते हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से. अगर बात करें तो कंपनीज हमेशा से चाहती हैं कि वो इम्प्रूव करें, लेकिन इम्प्रूवमेंट की डायरेक्शंस कंपनी के पास अलग अलग होती हैं. कुछ लोग कहते हैं कि रेवेन्यू को इंक्रीज करने को इम्प्रूवमेंट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने को इम्प्रूवमेंट कहते हैं. ISO 9001 एक प्रॉपर एक आपको पैरामीटर देता है, फ्रेमवर्क देता है कि आपकी कंपनी ने अगर इम्प्रूवमेंट को गेज करना है तो किस तरीके से गेज करें, अगर आपको अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल रखना है, सस्टेनेबिलिटी को एनहेंस करना है, किस तरीके से करें. नंबर 6 है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन लेगा तो उसे एविडेंस की बेसिस पे लिया जाए. एविडेंस कुछ भी हो सकते हैं, कस्टमर डेटा हो सकता है, कस्टमर कंप्लेन हो सकती है, ठीक है. ये एविडेंसेस होते हैं जिसकी बेस पे कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है. इट कुड बी डिसीजन फॉर हैविंग अ फ्रेंचाइज ऑफ एनी अदर सिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करने के हवाले से डिसीजन, कोई भी ऐसा डिसीजन लेना हो तो उसके लिए एविडेंस का जरूरी होना जरूरी है. नंबर 7 है रिलेशनशिप मैनेजमेंट.
रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये होता है, ऑर्गेनाइजेशंस ISO 9001 की रिक्वायरमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर हो, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करें, और इंटरनल ऑडिट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का हो, ठीक है, जिसमें परचेज हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, HR हो सकता है, ये सब डिपार्टमेंट जो है वो ISO 9001 के स्कोप में आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स की जा सकें, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जो कि इस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कोशिश करें कि आपस में बैठें, कोऑर्डिनेशन करें एक दूसरे के साथ, ताकि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ISO 9001 का वो अचीव हो सके। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स के हवाले से चीज़ें थी, जैसे कि पिक्चर में भी जाहिर है आपको एक शो हो रहा है कि जब तक एक जो है कि हमारे पास ये डिफरेंट पॉट्स हैं, अगर जब तक हर पॉट को भरना ज़रूरी है, तभी आपका जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अचीवमेंट की तरफ जाएगी। यानी ये जो है वो आपकी इनपुट्स हैं, तमाम 7 प्रिंसिपल में 7 इनपुट्स आपके चाहिए। देन हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ ISO 9001 के। मेथोडोलॉजी ऑफ ISO 9001 जैसे कि मैंने आपको बताया वो है ISO 9001 का है प्लान, डू, चेक और एक्ट। प्लान में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, पॉलिसी एंड प्लानिंग। ISO 9001 में जब बात की जाती है क्वालिटी इन्हेंसमेंट की, तो क्वालिटी पॉलिसी को बहुत अहमियत दी जा रही होती है। कंपनी के पास इस्टेब्लिश क्वालिटी पॉलिसी हो, बेसिकली क्वालिटी पॉलिसी एक वादा होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर के साथ, कि हम आपको सर्टेन लेवल की क्वालिटी और सर्विस हमेशा कोशिश करेंगे ना सिर्फ प्रोवाइड करने की बल्कि उसे इन्हेंस भी करने की। ये चीज़। सेकेंड एस्पेक्ट है प्लानिंग, कि उस वादे को किस तरीके से पूरा करना है, दैट इज प्लानिंग फेज। आई मीन अगर आप कहते हैं कि आप अपनी कंपनी अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से अच्छी सर्विस के जरिए, आफ्टर सेल सर्विस आपकी अच्छी होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, तो क्या प्लानिंग है आपके पास उस क्वालिटी पॉलिसी को अचीव करने की। देन बात की जाती है डू फेज की। डू फेज में आप जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, डू फेज में आप रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब जब भी कोई काम करते हैं तो उसकी कितना ज़रूरी है उसकी उस डिसीजन को लेना, और इम्प्लीमेंट प्लान जो आपने चीज़ें प्लान की होती हैं प्लान फेज में उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका काम है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा कि आज की जो वर्कशॉप है इसको आपने प्लान किया होगा आज से होपफुली 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, किसी ने आज सुबह प्लान किया होगा कि इस जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है 4 बजे से ऑनवर्ड्स का, इसमें मैं कोई और काम नहीं करूंगा, आई विल अटेंड दी वर्कशॉप ऑफ ISO 9001, ठीक है। फिर अभी आप रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, उसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस टाइम आप प्रॉपर फोकस होकर आपने जो है वो इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। देन आप फिर ये फैसला करेंगे कि इसको आपको एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, तमाम चीज़ें। फिर एक्ट करेंगे, वो तमाम चीज़ें जो सीखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इन प्लान, डू, चेक, एक्ट में सबसे अहमियत होती है लीडरशिप की, जो कि इसमें सेंटर में, बिकॉज लीडरशिप ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके जरिए आप कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें स्मूथली हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आपको पता है ISO 9001 कोई भी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा होती है, डिसीजन मेकिंग राइट टाइम पे करना कितना ज़रूरी होता है, तो लीडरशिप अगर सही टाइम पे डिसीजन लेगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, इम्प्रूव करेगी। एंड लास्ट ये जो पूरा हमारा ISO 9001 के हवाले से वेबिनार था, स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है और इसको 1 घंटे में या 1 दिन में कंप्लीट करना नामुमकिन होता है, तो हमने इसको 8 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। हमारी 8 क्लासेस होती हैं इस सेक्शन में, पूरे सेशन में, और हर क्लास हमारी एक्टिविटी बेस्ड होती है, वर्चुअल और फेस टू फेस दोनों क्लासेस हैं। कराची में हमारे कैंपसेस हैं DHA में और गुलशन इकबाल में, और जो पाकिस्तान से कराची से बाहर जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान से भी बाहर जो लोग हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं वाया वर्चुअल क्लास की अवेलेबिलिटी भी है, और उसमें उसको भी हमने बहुत इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स हम उसमें पार्टिसिपेंट को जो है वो लाइव आपके साथ इंस्ट्रक्टर मौजूद होते हैं वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। उमनी अकेडमी की एक्रेडिटेशन के हवाले से बात की जाए, सिंध टेक्निकल बोर्ड की है, स्किल डेवलपमेंट की है, PECB के साथ एक्रेडिटेड है,